अब बज रहे रात के 2, मुंबई एयरपोर्ट में बैठा हूँ और यहाँ से जो अपनी अगली फ्लाइट जो है वो होगी 2:25 को और मैं रीच होऊंगा मॉर्निंग के 4 o'clock दूसरी घंटे के लिए जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो ये लॉन्ग जर्नी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेट्स सी, टाइम हो गया है, बोर्डिंग का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है और चेक इन हो रहा है। गाइस, फ्लाइट लैंड हो चुका है लेकिन हाफ एन आवर जो है लेट है। उतरते साथ में इमिग्रेशन में जो इतना फास्ट और क्विक सर्विस है, साथ में हमको एक सिम भी दिया गया है, ये ड्रू का सिम देख रहे हैं आप, ये भी दिया गया है। ये टेम्परेरी सिम होता है, आपको इमरजेंसी कॉल या फिर आपको यहाँ पर आने के बाद में कोई रिसीवर को कॉल करना हो तो उस वजह से ये ड्रू का सिम भी देते, फ्री देते भी। तो अभी हम रुके हैं लगेज के यहाँ पर, लगेज चेक करते हैं, लगेज आ जाएगा फिर सीधा आउट होते हैं। मम्मा और शायद हो सकता है अमान जो है मेरा वेट कर रहे बाहर। तो हम पहुँचे हैं फाइनली कहाँ पर, दुबई एयरपोर्ट पर। ये है दुबई एयरपोर्ट। तो गाइस फाइनली जो है रीच हो चुके हैं दुबई की सरजमीन पे। Habibi, come to Dubai. वेट कर रहे हैं मम्मा का, मम्मा जस्ट अभी आने वाला है तो उसका वेट कर रहे हैं। गाड़ी उसने पार्क कर दिया, मैंने कहा था कि गाड़ी पार्क मत करें, मैं बाहर आ जाऊँगा, लेकिन उसने पार्क कर दिया तो अभी जस्ट वेट करते हैं, वॉकिंग करके आ रहा है। अलाउड नहीं भेजा, लेके जाना पड़ेगा। ओके ओके, चलो डिपार्चर के लिए। हाँ ओके ओके, तो अभी अंदर ही जाना पड़ेगा अपने। तो वैसे ये पार्किंग सिस्टम है यहाँ का, पार्किंग किया हुआ ऑलरेडी और ये पे कर रहे हैं यहाँ पे। कितना है पर आवर का? 20-25 दिरहम कुछ है। हो रहा है स्कैन? फोन से डायरेक्ट स्कैन करो। फोन से, फोन से। टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे दुबई में? दुबई में ये कितना बज रहा है यहाँ पे? 6:30 हो रहा है, 5 बज रहा है दुबई में। तो गाइज अभी हो रहा है टाइम यहाँ पर 5 मॉर्निंग के 5 बजे हम लोग रीच हुए दुबई में और कई सालों बाद जो है दुबई में एंट्री हुई हमारी। मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद हो रहा है, कोरोना के पहले आए थे हम लोग ना घूमने के लिए,
वही था वो। 5 साल के बाद फिर दुबई में एंट्री किए, माशाल्लाह बहुत चेंज हो गया। अभी देखेंगे धीरे धीरे एक 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 चीज एक्सप्लोर करेंगे, जितना दुबई में नया नया चीज बना सारे के सारा। 2003 में ये आया था, 2003 में ये, 4 में मेरे को ये लेने को आया था। अभी मैं इसको 2023 इसको मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 3 उल्टा हो गया अभी। अभी 2003 में सबसे पहला कदम रखा था, यानी पहला जॉब जो मेरा था यहाँ पे 2003 में मैंने किया था, रिवोली ज्वाइन किया था। तो उसके 1-1.5 साल के बाद में मम्मा यहाँ पे आया था। अब देखो अब 2023 चल रहा है माशाल्लाह। अभी कितना साल हो गया इसको कार को? 2 सालों ने है ना, फर्स्ट क्लास है। एम जी हाँ, मैं किया समझ रहा था एम जी है ना। अभी यहाँ पे लेफ्ट, हाँ अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग। चलो ये बड़ा मगजमारी हो गया यार, लेफ्ट से फिर राइट में आया, राइट से फिर अभी लेफ्ट में ऐसे। पूरा प्लान है माशाल्लाह, अच्छा है। जबरदस्त एकदम हॉल तो। और ये टीवी तो तू सही लगा के रखा भाई मैच के लिए, तेरा वर्ल्ड कप इस बार तो ऐसा लग रहा वर्ल्ड कप के लिए आया मैं करके। गाइस ये मॉर्निंग का नजारा है, ये आप देख सकते हैं नीचे योगा भी चल रहा है। बहुत ही प्यारा नजारा है मॉर्निंग का बिल्डिंग का। वो कौन है प्रोफेशनल है सिखाने वाला? राइट साइड पे स्विमिंग पूल है वहाँ पे, ये सामने वाले बिल्डिंग में इमरान भाई रहते हैं वहाँ पे, और वही बिल्डिंग के बैक साइड में सरजिल भी रहता। तो यानी कि आपस में सारे के सारे लोग यहीं पे यही एरिया में रहते हैं। बिल्डिंग बहुत प्यारी है, बिल्डिंग का नाम क्या है? अमन अल मसाकिनी। तो गाइस इनसे मिले, ये है हमारे सरजील भाई, हमारे बचपन के दोस्त हैं। यहाँ पर मुलाकात हो रही है दुबई के अंदर, भूलना ज्यादा है भाई को मार रहा है, आवाज तो एकदम गूंज रहा है। बाहर बुलाएंगे हम लोग, सीन ऐसा चलता है कि तुम इसी हाल में जा रहे हैं। मैं भी सुबह का मॉर्निंग में, आज पहला दिन है दुबई के अंदर पे मेरा, यही हाल में हम लोग। मम्मा तो फ्रेश लग रहा है एकदम, क्योंकि घर वाला यही है दुबई का, जो यहाँ का शेख बन चुका है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग तीनों जन मिल चुके हैं, पुराने जो है जितने भी पुराने थे हमारी टीम मिल चुकी है। अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग ख्याली प्लाव बना रहे हैं बैठ के, कि हमने टीम शुरू करना है, क्रिकेट का टीम शुरू करना है, जिम जाना है, फलाना टीम का क्या क्या जो है एक्टिविटी, सारे के सारे हम लोग बात कर चुके हैं। इम्प्लीमेंट कितना होगा, कितना सक्सेस होगा, बात की बात है। जिम तो पक्का जाएंगे, जिम तो पक्का है, क्रिकेट का भी बना नहीं है टीम, बड़ी बात नहीं है। तो अब फिलहाल हम जा रहे हैं कहाँ पर? इंजमामुल हक और क्या था कौन था, सईद अनवर, इनका जो है मीट का शॉप है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे मीट परचेस करने के लिए, तो लेट्स सी गाइस उनके शॉप में जाते हैं। तो गाइस ये एरिया जो है गीजर्स का एरिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं अल नादा टू में। ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बहुत आई हुई है, क्या सही ट्रेनर, ये तो हम भी सिखा सकते थे, इजी है कहीं क्या। यहीं पे मम्मा जो है पहले रहा करता था, कहाँ यहीं बैक साइड में रहता था हम लोग। एक दो बार आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पे आए थे ना, हाँ ये वाला बिल्डिंग ना, ओके ओके, यहीं पे हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए भी आए थे ये जगह पे, रात के टाइम में एक बार चलते हुए आए थे यहाँ पे। इसका कहाँ है शॉप, किधर है? आगे क्या, ओके ओके, यही जो मीट वन आप देख रहे हैं यही शॉप है जो इंजमामुल हक का जो है, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर इंजमामुल हक उनका जो है वो मीट शॉप है। तो अभी हम लोग एंटर करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है हमको वहाँ पे। गाइस दुबई का जो गर्मी आपको बता दूं मैं, इतना गर्म है यहाँ पे। एक्चुअली ये लोग कह रहे हैं कि गर्मी अभी बहुत कम हो गई है, लेकिन मैं आया हूँ तो मुझे अभी सलाल से यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मी उतनी है ही नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि 40 डिग्री तो नॉर्मल है यहाँ पे। आजा माशाल्लाह, यहाँ पर जो ऐसा रेडी हो के जो है काट कर जो पीस रखा जाता है, हाँ एकदम क्लीन करके नीट करके रखेंगे ब्रो, पहले ये एकदम फ्रेश रहेगा आज ही का। हाँ
1.5 कीमत दे रहा है बड़ा वाला। ये लोग आते क्या यहाँ पे कभी? इंतजाम हो रही है बस एक चल रहे हैं कभी कभार आते हो गए सात आठ शॉप है ना वो लोग तो नहीं आते हुए जो रखे हुए नीचे उन लोग वो लोग टीम जो मैनेज करते हैं। यहाँ पर जो है लाइव बारबेक्यू भी होता है यहाँ पर जैसे आप कोई भी जो है पीस सिलेक्ट करके आपको अगर खाना है तो वही टाइम पे वो लोग बारबेक्यू बनाकर जो आपको दे देंगे। ये होता है लाइव बारबेक्यू यहाँ पे। गाइस अभी मैं खड़ा हूँ एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पे ग्रोसरी में आया था लेकिन यहाँ पे आपने एक कहते हैं ना लेवल ही जो है एक हाई लेवल का जो एडवर्टाइजिंग जो आप देख सकते हैं वो ये है। देखिए आप कार को देखिए कहाँ पर खड़ा कर दिया है। ये देखिए ये ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है एमिरेट्स का लेकिन यहाँ पर कार देखिए आप टेरेस के ऊपर जो है बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर जो है लगाया गया। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। यानी ये कहते हैं एडवर्टाइजिंग। दुबई का लेवल ही अलग है भाई। गाइस गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया। अभी हमने यहाँ पर एक और जगह पे जो है सुपरमार्केट पे आए हुए पार्किंग का जो है हमने वही दो दिन हम यूज़ किया है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था क्योंकि वहाँ पर जो लिखा हुआ है पार्किंग का प्लॉट देख सकते हैं 232 लिखा हुआ है सेम पार्किंग हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं सुपर मार्केट। हेलो क्या मांगते थे क्या मांगते हैं? ये टमाटे का साइज आप देख रहे हैं टोटली डिफरेंट है। छोटे छोटे टमाटर इतने लेते थे। ये अलग ही जगह के हैं अलग कंट्री के हैं कुछ नाम दिया नहीं गया इसमें कहाँ कहाँ करके लेकिन अंगूर की तरह लग रहे हैं ग्रेप्स की तरह। ये देखिए छोटे टमाटर। कहते हैं दुबई में हर एक चीज़ मिलता है। ये देखिए अब बसल है। ये बसल है सिर्फ गांव में मिलता था अब यहाँ पे दुबई में भी इसका जो है वह इम्पोर्ट होने लग गया है। जो भी है यहाँ पे आप बसले देख सकते हैं। ये भी एक है जो करी बनाते हैं इससे बसले से एक ट्रेडिशनल जो है लीव्स है यानी ट्रेडिशनल लीव्स है इसका जो है ग्रेवी बनता है सब्जी बनता है। मशरूम क्या देखो भाई गांव गांव में मशरूम क्या पता नहीं ये लोगों को। अभी यहाँ पे दुबई में आके मशरूम खा रहे हैं मशरूम। हाँ तो गाइस मगरिब का वक्त हो चुका है। अब मैं फिलहाल जो एक पार्सल देने के लिए बाहर आया हूँ हमारे जो नज़ीर भाई है जो शब्बो के हस्बैंड तो उनका पार्सल है हमारा वेट कर रहे हैं स्टेडियम में। तो ये पार्सल जो लेके हम जा रहे हैं माशाल्लाह ये हमारे नज़ीर भाई जान है बहुत साल के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारे यहाँ। एक छोटा सा पार्सल देने के लिए मैं आया था तो अभी ड्यूटी में गया ड्यूटी खत्म हो गया यूनिफॉर्म में उनको ऐसा है कि स्टाफ के लिए जो है फ्री है जो बैच लगाया तो उनको हर जगह पे फ्री है घर पर जो है छोटा सा एक डिनर पार्टी रखा है मम्मा ने तो सारे लोग जो मौजूद हैं यहाँ पे जहाँ पे आसिफ भाई जो है आप पधार चुके हैं। आसिफ भाई को तो आप देख रहे हैं सिंगल से डबल हो चुके हो फैमिली वाइज नहीं बॉडी वाइज ओके। उसके अलावा यहाँ पे जेडू बैठता है वहाँ पर समीर बैठा हुआ है समीर हाथ दिखाते भाई और वहाँ पर बैठा हुआ अमान ओके। पब्लिक यहाँ बैठी हुई खाली आराम कर रही लेकिन मेहनत सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है वो कर रहा है मम्मा दिखा दो। ओके गाइस मेहनत करने वाला एक ही बंदा है यहाँ पे मम्मा बाकी सारे जो है यहाँ पे बैठ के खाने वाले। तो बंदा जो है अब यहाँ पर रशियन सलाड जो बनाया हुआ है बहुत टाइम ले लिया उसको बनाने में। अब ये अपने स्टाइल में किस स्टाइल में सॉल्ट बे के स्टाइल में जो है सॉल्ट डालते हुए दिख रहे हैं हमें बट आप लोग डाल रहे हैं शुगर ले सॉल्ट के बदले शुगर डाल। अच्छा ये शुगर डाल रहे हैं सॉल्ट ही डाल रहे हैं बताओ जरा रशियन सलाड आप नजदीक ले आइए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये है रशियन सलाड खाने वाले जो है इंडियन खाने वाले जो इंडियन है रशियन सलाड बना रहा हूं मैं। और घर पे बन रहा है स्पेशल क्या दाल गोश्त की ग्रेवी बन रही है विथ राइस। ये है हमारी अम्मो अम्मो हाउ आर यू गुड यू नो रुमेजा यू डोंट नो रुमेजा ऑलवेज मिसिंग यू रुमेजा अलीजा देन ऑफ देन अर्शिबा यू नो अर्शिबा आदि भाई यू नो oh very good ah huh? say hi to them hi say how are you hi. all well okay thank you. thank you
चलो भाई बैटिंग स्टार्ट कर लो। तो गाइस बैठे हैं डिनर करने के लिए मम्मा के घर पे। पहली बार अच्छा राइस पे आ रहा है बाद में एडिट कर सकते हैं पतला करने के भाई नहीं अपनों जैसे जैसे वैसे चलेगा बस 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 उसको समझते नहीं कर यानी इसका मतलब कुछ भी बोल देगा और तो सीधा सड़ा बोल रहा तो गाइस दाल चा जो है शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दाल चा पकड़ ये खा के हमको 11वीं की नियाज किया था भाई Hey guys, look at here, Spider-Man. Show me your power. Wow. This mask you remove. Show me your face. Show me your face. Open your mask. Open your mask like this. Open. Show me your face. Woo! This is it. And I thought this is Spider-Man. Oh my God. Woo! Spider-Man. Give me power. Yes. तो गाइस अभी हम लोग मौजूद है शेख जायद रोड में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये नज़ारा जो है शेख जायद रोड का नज़ारा डिनर खा के हो गया है हमारा हम लोग आए थे नेहा को ड्रॉप करने नेहा और समीर को जो है ड्रॉप करने आए थे अब रास्ते में एक मेडिकल मिला हुआ है मेडिकल से एक टैबलेट लेना तो वो लेने के लिए शेख जायद रोड पर पहुँचे हैं रास्ते में जो है फ्लोटिंग ब्रिज मिला था वो बंद था तो इस वजह से हमको जो है शेख जायद रोड पकड़ना पड़ा आप देख रहे हैं नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है ये सारे जितने भी व्यूज़ जितने भी आने वाले जो है वीडियोस में आपको एक से बढ़कर एक जो व्यूज़ देखने के लिए मिलेगा मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है पूरे के पूरे दुबई को जो है वो एक्सप्लोर करूँ और धीरे 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 एक एक वीडियो बनाएंगे एक 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 जो है वो पॉइंट्स पर जाएंगे और अपना जो वीडियो का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रखेंगे ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये ब्लैक वाला ना जो लेफ्ट साइड में क्या वो वाला जो okay, दो, वाला। दो टावर ऐसा लगा ना हाँ ओके ओके राइट वो जो दो टावर आप पहला जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो जो है एमिरेट्स टावर है वही बिल्डिंग में जो है श्रीदेवी ने जो अपनी आखिरी सांस जो है वहाँ पर ली थी तो वहीं पर उसकी जो है मृत्यु हुई थी है ये रे मृत्यु प्योर इंडिया आज का ब्लॉग मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जिन जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अपना ख्याल रखना सुरक्षित रहना दुआ में ज़रूर याद रखना शब्बा खैर अल्लाह हाफ़िज़ अस्सलाम वालेकुम मिलते हैं अगले ब्लॉग में